उल्लासनगर के गठबंधन में कौन सा करार किया गया? क्या महापौर पद साई पक्ष के पास होगा या जमुनादास पुष्वानी होंगे अगले महापौर? साई पार्टी लीडर जीवन इदनानी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कौन महापौर बने ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या गठबंधन में कोई करार किया गया है? क्या महापौर पद साई पक्ष के पास होगा या जमुनादास पुष्वानी होंगे अगले महापौर? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उल्लासनगर परिवहन समिति के सभापति श्री संतोष पांडे जी ने कि समाज सेवियों और उद्योगपतियों से फिर से एक बार अपील किया है कि उल्लासनगर के परिवहन सेवा को चलाने के लिए आगे आए और सहायता करें। ऐसा पहले भी हुआ है, ये प्रयास पहले भी किया जा चुका है और दोनों बार ये विफल रहा। वोडाफोन आइडिया को 50,921 करोड़ का घाटा, किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा तिमाही नुकसान। बकाया AGR पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते जुलाई सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,921 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह किसी भी भारतीय कंपनी के लिए एक तिमाही में सबसे बड़ा नुकसान है। वोडाफोन ने कहा है कि कंपनी आगे बढ़ने की संभावना सरकार से राहत मिलने और प्रस्तावित कानूनी लड़ाई के सकारात्मक परिणामों पर निर्भर करेगी। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि वह कोर्ट के फैसले का पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। AGR पर कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पर सरकार की कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। रिलायंस जियो के आने के बाद से दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा। जी हाँ, रिलायंस आरकॉम समूह के अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। कंपनी दिवालिया के प्रक्रिया में है। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने शनिवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। अंबानी के साथ ही छाया विरानी, रायना करानी, मंजरी कक्कड़ और सुरेश रंगचर ने भी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। आरकॉम दिवालिया के प्रक्रिया में है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि जुलाई सितंबर तिमाही में 30,142 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह किसी भी भारतीय कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा तिमाही घाटा है। AGR मामले में बकाया भुगतान के लिए 28,314 करोड़ रुपए की प्रोविजन करने की वजह से ये इतना नुकसान हुआ है। मराठी फिल्म बकाल हुई प्रदर्शित। बहुचर्चित मराठी फिल्म बकाल, जिसके प्रोड्यूसर है राज मेंडा, जो कि कई दिनों से चर्चा का विषय बनी रही, ये मराठी में पहली एक्शन फिल्म कहलाई जाएगी जिसके प्रोड्यूसर है राज मेंडा। हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसको काफ़ी सराहना दी गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार लंबी कवायद के बाद शिवसेना, कांग्रेस और NCP के बीच सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद मिलेगा और NCP और कांग्रेस को भी मंत्री पद मिलेंगे। PNC बैंक घोटाला। बैंक का पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिंह गिरफ्तार। मुंबई के EOW ने अब तक 8 आरोपियों को पकड़ा। महाराष्ट्र के PNC बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने शनिवार को बैंक के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वह भाजपा के पूर्व विधायक तारा सिंह का बेटा है। इस मामले में पुलिस अब तक बैंक और रियल इस्टेट कंपनी के आला अधिकारियों समेत 8 लोगों को पकड़ चुकी है। इस घोटाले से बैंक को 4,355 करोड़ का नुकसान हुआ है।